हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मजे में होंगे, है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे और उसका थर्ड पार्ट आज इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे। जिसने पहले के दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक किया था, सेकेंड में हमने टेबल को पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने यहाँ पर बना भी दी है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें टेबल आपकी काम आने वाली है। आज यहाँ पर हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आपके, जैसे यहाँ पर आपने 90 तक की तो वैल्यू निकाल दी, लेकिन अगर आपसे 90 से ज्यादा की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो वो आप कैसे निकालोगे? वो कुछ वैल्यूज आपकी माइनस में होती है, तो एक चतुर्थांश होता है जिसके बेस पर हम ये सारी चीजें आज यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? जिसने पहले की दो वीडियो नहीं देखी है दोबारा बोल रही हूँ, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जिसने देख ली है बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने वो वीडियो देख ली होंगी। तो यहाँ पर आज हम जब बात करेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर कैसे प्लस में होती है। देखिए यहाँ पर आपने देखा जीरो से 90 तक की सारी वैल्यूज आपकी क्या होती है? प्लस होती है। लेकिन अगर मैं 90 से ज्यादा की बात करती हूँ तो कुछ वैल्यूज आपकी माइनस में भी होती है। यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे या ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाता है 270 डिग्री, और ये आपका यहाँ पर आपका 180 डिग्री, और ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 270 डिग्री हो जाता है। मुझे उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो चीजें चलेंगी तो आप कंफ्यूज मत होना। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। इस वाले जो ये जीरो से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज है ना, इसमें क्या होता है सारी वैल्यू आपकी प्लस में होती है। कोई भी आ जाए, साइन आ जाए, कोस आ जाए, आप देखिए साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, कोट आ जाए, या सेक आ जाए, या कोसेक आ जाए, ये सब क्या होती है यहाँ पर प्लस में होती है। यहाँ पर बात करेंगे कौन सी वैल्यू प्लस में होती है, ये सभी क्या है यहाँ पर प्लस में होती है। अगर मैं 90 से 180 डिग्री के बीच में आती हूँ यहाँ तक, यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू जो है आपकी, दो है वो आपकी प्लस में होती है और सब माइनस में। वो दो कौन सी है? सबसे पहली और सबसे लास्ट की। कौन सी? सबसे पहली और सबसे लास्ट की। ये क्या होंगी यहाँ पर? प्लस की होंगी। साइन और कोसेक आपका यहाँ पर प्लस में होता है, ध्यान रखना। साइन और कोसेक यहाँ पर प्लस में होता है। यहाँ पर 180 से 270 में जब हम जाते हैं तो जो हमारा टेन और कोट है ना, ये आपका प्लस में होता है। 180 से 270 जाने में टेन और कोट आपका प्लस में होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है, ये 270 से 360 या आप जीरो डिग्री इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो 270 से जाएंगे तो ये 360 पड़ेगा, और जीरो से जाएंगे, यहां से जाएंगे तो ये जीरो डिग्री पड़ता है। यहाँ पर कौन सी आपकी बची? एक तो कोस बची और एक आपकी सेक बची। ये दोनों यहाँ पर क्या होती है आपकी? प्लस में होती है। ध्यान से ये चीज आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर अब एक चीज और यहाँ पर आप पहले सीख लो, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जब आपका 90 माइनस थीटा आ जाता है, क्या बताया था? ध्यान है, साइन का किस में चेंज हो जाता है? कॉस का। और कॉस का किस में चेंज हो जाता है? साइन में। अब देखिए अगर हम टेन की बात करते हैं, टेन आपका किस में चेंज हो जाता है? कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो जाता है? टेन में। अगर हम आगे चले सेक की बात करें, सेक किस में चेंज हो जाता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं साइन जीरो डिग्री की बात करती हूँ, जीरो, और मैं 90 में से जीरो डिग्री घटा देती हूँ तो वो कॉस की वैल्यू आ जाती है। अब मैं साइन 30 डिग्री की बात करती हूँ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। अब मैं 90 माइनस 30 करती हूँ तो वो क्या हो जाता है? कॉस 90 माइनस 30 किसके बराबर? साइन 30 के बराबर तो होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं 1/2 ही है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से एक बता दिया। यहाँ पर देखिए इसमें दो चीजें साथ साथ चलती हैं।
यहाँ पर एक अगर यहाँ चतुर्थांश की बात करते हैं तो साइन के साथ कोसेक आता है, लेकिन यहाँ जब कन्वर्ट करने की बात होती है तो साइन के साथ कॉस आता है। तो इसमें चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, है ना। तो चलिए समझ आ गया इतना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या आपका 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, इसमें क्या होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस तो हम देखेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका यहां पर 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, इसमें क्या होता है, सभी सेम रहते हैं, सेम इन द सेंस ये चेंज नहीं होते। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सेम ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे इनकी वैल्यूज। जैसे यहां पर अगर साइन 180 प्लस थीटा है, जैसे साइन 270 है या 210 है, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 180 प्लस 30 करेंगे। जब हम 180 प्लस 30 करते, देखा ये 180 प्लस में है तो ये क्या होगा, ये साइन 30 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, साइन 30 ही रहेगा। लेकिन अब हम देखते हैं हमने क्या लिया, 210 लिया, कौन से आपके चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा, इसमें तो कॉट और टेन प्लस होता है और सब माइनस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना ये वाला, बिल्कुल सही बात है। और माइनस हो गया, माइनस साइन 30, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। कोई दिक्कत इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी इसमें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप बात करोगे यहां पर तो 360 है मैम, 360 प्लस कैसे आ सकता है ना। कई बार आपको क्या दे देगा, जैसे आपको दे दिया 390, आपको दे दिया 10 390 का मान। चलिए पहले छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं फिर यहां पर जाएंगे। आपको इतनी चीज समझ में आ गई है ना। अब मैं यहां लिख देती हूं एक साइड पे कौन से का वैल्यू चेंज होता है ना, तो आपको याद रहेगा। बस ध्यान रखना 180 360 वाला सेम रहता है, 180 360 वाला सेम रहता है, 90 270 वाला चेंज हो जाता है। 180 और 360 के साथ जो भी होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन 90 और 270 के साथ वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड कैसे आते हैं, अभी आपको सब चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करती हूं साइन 135 डिग्री की, आप वैल्यू निकालिए, सबसे पहले क्या देखना है ये कौन से चतुर्थांश में है। 135 डिग्री तो 90 से ज्यादा होता है, 90 से ज्यादा होगा इसमें होगा और 180 से कम, यानी यहाँ पर साइन और कोसेक हमारा प्लस होता है और सभी माइनस होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस में ही रहेगी वैल्यू। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 45, क्या लिखा, 90 प्लस 45, तो यहाँ पर साइन 90 यानी साइन 45 की डिग्री क्या वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होगी। क्या यही होगी, क्या साइन ही आएगा क्या, अरे नहीं, यहाँ क्या आएगा, कोस। इसीलिए गलत किया था ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, यहाँ पर क्या आएगा, कोस आएगा, और कोस 45 की तो सेम होती है भाई। तो यहाँ पर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 90 प्लस था तो ये चेंज हो गया। यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ tan 135 डिग्री की, tan, अब देखिए tan है यहाँ पर तो cosine और cosec प्लस होता है, ये क्या होगा, माइनस होगा। tan 90 प्लस 45, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, tan 45 होगा क्या, नहीं, चेंज होगा, क्या होगा, cot 45 क्या होता है, -1 आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, वैसे तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें यहां पर नहीं होनी चाहिए।
बताइए, नहीं है ना कोई दिक्कत? आगे कुछ क्वेश्चंस ले। अब मैंने यहां पर लिखा, आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक, नहीं सेक लेते हैं इसमें, सेक 150 की वैल्यू बताइए। अब मैंने आपसे पूछा सेक 150 की वैल्यू बताइए, अब मुझे एक बात बताइए 150 कहां पर कौन से में आता है? इसमें आता है ना। अब इसमें तो साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो सेक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज पर जो मैं आपको बता रही हूं, अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको, ठीक है? माइनस होगा, माइनस हमने पहले ही लगा दिया, माइनस सेक 150 डिग्री। अब एक बात बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 60 लिखेंगे ना, तो सेक आपका किसमें चेंज हो जाएगा? सेक आपका यहां पर कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री, यानी कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3, और ये क्या है आपका? माइनस में है, तो यही क्या है इसका आंसर है। अब अगर हम कुछ और यहां पर एग्जांपल्स देखें, हमने सेक 150 डिग्री देखा, अगर मैं बात करती हूं आपसे, मैं बात करती हूं 310 डिग्री, मैंने क्या कहा? 310 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब देखिए 310 तो ये यहां पर माइनस में आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में, तो 10 270 प्लस 30, तो यहां पर क्या है? 270 चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? माइनस के रूट 3, यही इसका आंसर है। लेकिन अगर अब मैं बोलू आपसे 10, ये मैं आपसे बोलू 10 आपका 225 डिग्री, 10 225 डिग्री, अब देखिए वो इस वाले यहां पर होगा, ठीक है? अब यहां पर तो आपका 10 प्लस में होता है, तो ये प्लस में आएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 45 हम लिख सकते हैं, 180 में तो कुछ चेंज नहीं होता, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और यही इसका आंसर भी होगा। लेकिन लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए 360 से ज्यादा की आप वैल्यू बताइए, अगर आपसे बोल दिया जाए जैसे 405 डिग्री की वैल्यू बोल दिया जाए, अब आप कैसे निकालोगे? क्या 360 से ज्यादा कोई वैल्यू है? कोई यहां पर इसके लिए चतुर्थांश तो नहीं बना, आप कैसे निकालेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे? जैसे अब आपसे बोल दिया सेक 405, आपसे क्या बोला? सेक 405 डिग्री की आप वैल्यू बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपली आप इसको, अब देखिए 405 है, अब 360 से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन 360 से ज्यादा यानी यहां पर 450 तक आपका आएगा, तो इसी वाले में आ जाएगा, और इसमें क्या है? सारे प्लस है, तो ये भी आपका क्या होगा? प्लस ही होगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 45। अब एक बात बताइए, 360 में तो कुछ चेंज नहीं होता, सेम रहता है, तो यानी सेक 45 डिग्री की अगर मैं यहां पर वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो रूट 2 यहां पर क्या होगा? मेरा आंसर होगा, ठीक है? अब जैसे हमने यहां पर 10 225 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, चलिए 10 की नहीं लेते हैं, कॉस की लेते हैं, ठीक है? यहां पर एक वैल्यू लेते हैं कॉस की, और हमें क्या है? उस कॉस का मान निकालना है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया कोस 210 डिग्री, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं, अब एक बात बताइए, कोस 210, सबसे पहले देखिए माइनस होगा प्लस, इसमें है माइनस होगा क्योंकि यहां पर 10 और कोट, ठीक है? अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 180 प्लस 30 भी लिख सकती हूँ, और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? 270 माइनस 60 भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसके लिखने में? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखिए अगर मैंने इसको 180 में चेंज किया, तो माइनस कॉस 30 ही मेरा आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 की वैल्यू माइनस के रूट 3/2। अब कॉस है, अब 270 माइनस 60 है, 270 अब ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होता है? कॉसेक में। अब क्या होगा? कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कॉस है ना, सॉरी
भी चेंज होता है ना। एक मिनट, ये साइन में चेंज होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, किसमें चेंज हो गया, ये साइन में। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, माइनस के रूट टू ही यहां पर आंसर आएगा। ध्यान रखना, साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। मैंने सोचा था यहां पर सेक है, ठीक है। तो साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। क्या अब इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैंने आपको पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो इसीलिए लेकर आई हूं इसके लिए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप डर डर के पढ़ते हो, क्या है क्या है, कुछ नहीं है, इजी तो है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए और नोट्स बना लीजिए इसके अपने। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। और एक बात, इससे पहले वाली वीडियो में जो टेबल की वीडियो थी उसमें ना यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है 1 लिखी गई थी, यहाँ पर 0 होगी, मैंने 0/1 को 1 लिख दिया था। तो जिसने देखी है वो वीडियो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 10 0 डिग्री और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो उसको आप वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है ये आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको चैनल पर वीडियोस चाहिए, और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट के। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।